Hello friends, welcome to governmentjobspreparation.com. My name is Preeti and today our chapter is second type of average. Let's see the questions. Our first question is, average of 5 consecutive even numbers is 20. Calculate the largest number. Let's say these are the 5 numbers and the average which is given, that is 20. Average is also always a middle number. That is given 20. After 20, our next even number is 22, and after that is 24. And before 20, our even number is 18, and before 18 is 16. But we have to calculate the largest number. Which one is the largest? 24 is the largest. This is the answer. किन्हीं पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज 20 दी हुई है, हमें सबसे बड़ा नंबर कैलकुलेट करना है. ये पांच नंबर हमें रखे, मिडल वैल्यू हमेशा एवरेज होती है. 3 हमारा मिडल नंबर है और जो हमें गिवन है 20. 20 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर होगा 22 और उसके बाद होगा 24. 20 से पहले होगा 18, 18 से पहले 16. लेकिन हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है. इन सब में से सबसे बड़ा 24 है, तो वही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 10. कैलकुलेट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर. नाउ वी हैव 4 नंबर्स. लेट दीज 4 नंबर्स आर, बट द एवरेज विच इज गिवन दैट इज 10. विच वन इज द एवरेज? नाउ दिस इज द एवरेज. दिस पॉइंट इज द एवरेज एंड दिस इज गिवन 10. We have to get the odd numbers now, but the average which is given, that is an even number. But after 10, which number is the odd one? That would be 11, and after 11 would be 13. Before 10, 9 is an odd number, and before 9, 7 is an odd number. And we have to calculate the sum of the smallest and the largest number. This is the smallest number and 13 is the largest number. When we sum both the numbers, we get 20 as an answer. किन्हीं चार consecutive odd numbers की जो average है वो 10 है, हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे number को add करना है, यानी कि जोड़ना है. हमने ये चार नंबर माने, लेकिन एवरेज हमारी हमेशा मिडिल वैल्यू होती है. इन चार नंबर्स में ये मिडिल पॉइंट है जो कि हमें गिवन है 10. 10 एक इवन नंबर है, लेकिन हमें ऑड नंबर निकालना है. 10 के बाद 11 जो नंबर है वो ऑड नंबर है, और 11 के बाद 13 ऑड नंबर है. 10 से पहले 9 ऑड नंबर है, 9 से पहले 7. लेकिन हमें इन चार नंबर में से सबसे छोटे और सबसे बड़े का सम चाहिए, जो कि 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 20. 20 हमारा आंसर है. थर्ड क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 36. 19 बच्चों की जो एवरेज है वो 36 इयर्स है. द एवरेज ऑफ 19 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 36 ईयर. व्हेन वन न्यू बॉय जॉइंस, एवरेज एज बिकम्स 38 इयर्स. When one new boy joins, यानी कि अगर एक बच्चा और join कर लेता है तो total बच्चे कितने हो गए? 20. And average becomes 38 years. Average 36 से 38 हो गई. इसका मतलब है जो नया बच्चा आया है उसकी एज ज्यादा होगी, तभी ये एवरेज भी इंक्रीज हुई है. And average is increased by 2 years. 2 साल से बच्चों की एवरेज एज बढ़ गई, 36 से 38 हो गई. 2 इयर्स विल इफेक्ट ऑन ऑल 20 स्टूडेंट्स. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 2 इन ऑल द स्टूडेंट्स, वी गेट 40. बट दिस इज द प्रेजेंट एंड वी हैव टू गेट द एवरेज एज ऑफ द न्यू बॉय. सो इन दिस 40 वी एड द प्रीवियस एवरेज, दैट इज 36, and we get 76 as an answer.
इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 36। व्हेन वन न्यू बॉय जॉइंस एवरेज एज बिकम्स 38 इयर्स। एक नए बच्चे ने ज्वाइन किया, टोटल नंबर्स 20 हो गए और एवरेज 38 इयर्स हो गई। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर वी गेट 684 एंड वी मल्टीप्लाई व्हेन 20 इनटू 38 वी गेट 760। बट वी वॉन्ट द एवरेज एज ऑफ न्यू बॉय। हाउ वी गेट 760 माइनस 684 वी गेट द आंसर दैट इज 76। दिस वॉज द सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।